हेलो प्यारे बच्चों, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहता है, एक हॉट गैस है, ठीक है। हॉट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। और हॉट गैस को जब आप हीट किए तो ये 3 वेवलेंथ निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है कि गैस को कैसे भी हीट करो, जो भी करो, यहाँ अजम्पशन लिया जा रहा है, नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ठीक है। नई बातें रखी जा रही हैं, अजम्पशन लिया जा रहा है कि गैस को कैसे भी हीट करो, फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ और तीन ही वेवलेंथ निकलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात होगा कि तीन ही वेवलेंथ निकलेगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि तीन ही वेवलेंथ निकले? तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। देखो, अज्यूम लिया जा रहा है द एटम हैज ओनली टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो, अब दो एक्साइटेड स्टेट जो है हमें कंसिडर करना है, और डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेज एज एनर्जी इज इंक्रीजेज। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे भी कंजुगेटिव डिफरेंस डिक्रीज होता है, हमें पहले से पता है। कहता है एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्बिट, जो जो भी है ऑर्बिट, हाईएस्ट ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी है वो हमें जीरो कंसिडर करके चलना है। कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड द एनर्जी ऑफ द सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दो प्रॉब्लम। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास दो प्रॉब्लम से मिलके बना हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये ग्राउंड स्टेट हो गया और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया और ये सेकेंड एक्साइटेड। ये ग्राउंड एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये कहता है ये कि हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, दो ही एक्साइटेड स्टेट है। और जब हम इधर से नीचे से ऊपर जाते हैं, इधर से जाते हैं, तो हम सबको पता है कि जो डेल्टा ई है कंजुगेटी, अगर इसकी एनर्जी E1 है और इसकी E2 है टोटल एनर्जी, और ये E3 है, तो ये कहता है कि डेल्टा एनर्जी डिक्रीजेज, वैसे भी डिक्रीज ही होती है यार, हम सबको पता है, ठीक है। ये बात पहले से हमें पता है कि डिक्रीज हो रही है। तो अब ये कहता है जो हाईएस्ट वाला है, ये वाला जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी जीरो लेना, मतलब E3 जीरो हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, डिक्रीजेज एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट लेवल डिक्रीजेज। तो कहता है सबसे पहले E1 की कैलकुलेशन कर डालो, हाउ मच E1। तो E1 निकालना आसान है, सबसे पहले देखो अब E1 कैसे निकालना आसान है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब 3 वेवलेंथ है, λ1 की वैल्यू कितना बोलो, 46.0, λ2 की वैल्यू कितनी है, 82.8, और λ3 की वैल्यू कितनी है, 103.5। ये सब नैनोमीटर में दिया हुआ है, नैनोमीटर। ये अब देखो यहाँ से ग्राउंड स्टेट की अगर एनर्जी देखोगे, इस स्टेट की एनर्जी तो पहले से ही जीरो है, तो इन दोनों में ग्राउंड स्टेट और हाईएस्ट स्टेट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, समझ रहे हो ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करता है तो वो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा उसको, ठीक है। तो अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा, तो उस वक्त लैम्डा मिनिमम होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। हम सबको पता है यार, पहले से पता है कि अगर इधर भी एनर्जी लेवल होता तो ग्राउंड और हाईएस्ट वाले के लिए के एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होती है, ये पहले से हमें पता है यार, और यहाँ भी होगी, तो लैम्डा मिनिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो λ1 है, लैम्डा मिनिमम, यहाँ λ1 है, तो λ1 है, तो यहाँ से इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है, E1 - E3, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू SC/λ min, और HC/λ min की वैल्यू λ1 है, और E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, E3 पहले से जीरो है, और SC नैनोमीटर में निकालना है, 12 नंबर 402, और यह आ जाएगा 46। तो यहाँ से अगर मैं E1 की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है ना, देखो टोटल एनर्जी यहाँ से E1 की जो अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ, तो E1 - E2, यहाँ से मैं E1 से E2 घटा दिया हूँ,
ऑब्वियसली यहाँ से अगर देखोगे ये यहाँ से E1 से अगर E2 घटा दिए हो तो E1 की एनर्जी ज़्यादा है यार, ठीक है, और E2 की एनर्जी कम है, निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो है, ठीक है, और ये सब निगेटिव वैल्यू है, तो ये सब निगेटिव वैल्यू है, ये ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा माइनस। अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, दैट इज E1 इज इक्वल टू -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है फाइनल सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका। चलो दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाला है, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसकी हमें निकालनी है, तो इसके एनर्जी निकालने के लिए करें, तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम देखो यहाँ से E2 माइनस E1 एंड दैट इज मस्ट बी इक्वल टू SC/λ। अब यहाँ पर E2 माइनस E1 क्या होगा, देखो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, ये वाली डिफरेंस ΔE1 इसको अगर मैं बोलता हूँ, और ये जो डिफरेंस है वो ΔE2, ठीक है, ऑब्वियसली जो ΔE2 है वो मिनिमम है, ये जो डिफरेंस है ΔE2 दैट इज E2 माइनस E1, ये जो डिफरेंस है वो मिनिमम है, तो अगर ये डिफरेंस मिनिमम है तो जो लैम्डा निकलेगा वो मैक्सिमम होगा, और लैम्डा मैक्सिमम क्या है यार, लैम्डा मैक्सिमम थे, यहाँ λ2 है, तो ये बात हमें से पहले से पता चल गया, तो ये जो E2 है वो माइनस है, -E2, और ये माइनस एनर्जी जीरो, और ये SC नंबर 12 नंबर 402, और लैम्डा यहाँ मैक्स आ जाएगा, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है 12 नंबर 402, और लैम्डा मैक्सिमम 1.3.5 है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कि E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वह जाएगी माइनस, कैलकुलेट करने ना इसको 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा ये, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द E2, दिस इज एनर्जी ऑफ E1, और ये जो वेवलेंथ है, ये वाली जो वेवलेंथ है वो कहीं इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ से जंपिंग हुआ होगा तब आया होगा, क्योंकि अगर हाईएस्ट से लोएस्ट में जंपिंग होता है तो λ1 आएगा, और अगर हाईएस्ट से सेकेंड में जंपिंग होता है तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, तो λ मैक्सिमम आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से, तो दिस इज द प्रॉब्लम।